मेहता का उल्टा चश्मा। के महारथियों, मुझे लगता है कि हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर हम टॉस जीते तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए और हमें इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देना चाहिए कि जेठा के जाबाज किसी भी हालत में उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाए। जेठा अंकल, अंकल कैप्टन, मुझे लगता है हमें टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेनी चाहिए। हाँ, हम ज्यादा रन बनाएंगे तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस, सही बात है, बच्चे सही कह रहे हैं। हाँ हाँ कैप्टन सेठ जी, आप टॉस जीतो तो बैटिंग ही लेना। क्या हो गया है आप लोगों को? खास मीटिंग में हमने जो चर्चा की सब भूल गए हैं? आप लोग मेरी बात सुन रहे थे कि आंख खुली रख के सो रहे थे ऐसे? अरे हमने क्या रणनीति बनाई थी कि उनकी ताकत बल्लेबाजी है तो हमारी ताकत गेंदबाजी है। हमें अगर ये मैच जीतनी है तो उनको कम से कम रन में आउट करना है। लेकिन जेठालाल, उन लोगों ने बड़ा स्कोर बना लिया तो फिर हम लोगों को चेस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इतनी नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं? आप किसकी टीम में हैं? आप जाइए, मेहता सबकी टीम में जाइए, बबीता जी को यहाँ भेजिए। क्या जेठालाल, क्या बोल रहे तुम लोग? कैप्टन अय्यर अंकल बराबर कह रहे हैं। आप पिच देखिए कितनी ब्राउन है, सेकेंड इनिंग्स में बॉल बहुत टर्न होगा। क्या पिच बहुत ब्राउन है, कारपेट है, असली पिच थोड़ी है। सेकंड इनिंग में बॉल टर्न होगा। मैं काम करूं, तू भी उनके टीम में जा और टप्पू को यहाँ भेज। ठीक है अंकल। अंकल तो अभी तो अंकल बोल सकता हूँ ना, मैं उन लोग की टीम में हूँ। लाइए उस टीम के कपड़े लाइए। अरे ये बच्चा क्या मतलब ये क्या बोल रहा है? गोली बेटा, चुप। किस तरह से बात करके अपने टीम में कैसे खेलेगा? अच्छा जाने दीजिए ना, गोली बेटा चुप रहे, ऐसा नहीं। तो देखा आप लोगों ने कि दोनों टीम्स में कितना जोश है। ये मैच शुरू हो उसके पहले मैं यहाँ आज इस मैदान में बुलाना चाहूंगी उनको जो कि आज के विनर को स्पॉन्सर करने वाले हैं, गोल की चेन। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर आसिफ कुमार मोदी। नम
मेहता की मारती चेता के जबर तो जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी दोनों टीम आप लोग तैयार है ना? जीतेंगे भाई जीतेंगे, मेहता के महारथी जीत लेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे। बस क्या बात है, क्या बात है, क्या जोश है। तो बताइए कि आप आज यहाँ पर किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों टीम मेरे दिल के काफी करीब है। अभी एक जोरदार मुकाबला होगा और मैं देखना चाहता हूं ये सोने की चेन किसके नसीब में है, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। टीमों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। उनके जोश को देखकर लगता है कि दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। आज यहाँ पर लाइव कमेंट्री करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस जेरिको। दोनों टीम्स के कैप्टन को जेठा जी एंड मेहता जी को फॉर द टॉस। कैसे आशीष भाई, जबरदस्त लग रहा है, सब व्हाइट एंड व्हाइट एकदम। कैसे हो क्या मेहता साहब, जेठा भाई टॉस उछाला जाए? बिल्कुल बिल्कुल उछालिए। हाँ बिल्कुल, मेरा छापा। जेठा भाई छापा या कांटा नहीं लेना है टॉस में, आपको अपना नाम बताना है या मेहता साहब का नाम बताना है टॉस के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। जेठा भाई मेहता साहब ये देखिए मैजिकल कॉइन, जादुई कॉइन। अरे जबरदस्ती है तो। अरे फिर तो इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत ही क्या है चेरी बहन, सिक्का उछा लिया जिसका बेचारा दिख जाएगा वो जीत गया टॉस। बिल्कुल चलो चलो फिर टॉस उछाला जाए। बिल्कुल विलंब मत कीजिए, उछा लिया सिक्का। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। वन टू एंड 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 थ्री। अब क्या करेगा रणनीति का? कैप्टन मेहता, आज के इस खेल का ये टॉस आपने जीता है। थैंक यू। तो अब आप क्या करना चाहेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए बेटा, टॉस के पहले हमारी टीम ने आपस में एक छोटी सी मीटिंग की थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमारे टीम के साथियों की भावना और मेरा अनुभव और पिच की स्थिति देख के मुझे लगता है कि आज ये टॉस जीतने के बाद मेहता के महारथी बैटिंग करेंगे। ये मेरा आइए मेहता साहब, आइए बैटिंग में आइए, 5 ओवर के अंदर पूरी टीम को ऑल आउट कर देंगे। जेठालाल लिप्तता इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
कौन रो रहा है? अरे हंस रहा हूँ मैं, बोल रहा रो रहा है। जेठालाल ये अभी से नर्वस हो गए। जेठालाल ये शेरो शायरी में एक मिसाल है। रोने का मतलब आंसू बहाना नहीं, खैर छोड़ो, हम लोग रनों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करेंगे कि तुम लोग चढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? ये खेल का मैदान है, कोई मुशायरे का स्टेज नहीं है मेहता साहब, और ना ही माथेरानी मामले से पार चढ़ने की बात कर रहे हैं आप। आइए आइए खेलिए खेलिए, चलो चलो। GPL 3? जेठा के जाबाज, मेहता के महारथी, मेरे बिना सोसाइटी में GPL 3 हो रहा है? कैंसल कैंसल कैंसल! ए कौन है बे? कैंसल करो GPL 3, कैंसल! चुप रहो। कैंसल करो अभी के अभी GPL 3, कैंसल करो। ए डिब्बे, क्या कैंसल, क्या कैंसल? चाचा जी, जेठालाल, मेहता साहब, मैं भिड़े सोड़ी, ये सब क्या है? आप लोगों ने मेरे बगैर GPL 3 का आयोजन कर दिया और मैच शुरू भी कर दिया। पोपटलाल, तुम्हें बताया बगैर GPL 3 शुरू करने का क्या मतलब है भाई? तुम बाहर टूर पे गए थे और तुम्हें कांटेक्ट भी कैसे कर सकते थे हम लोग? नहीं नहीं मेहता साहब, मैंने फोन किया था, दो बार फोन लगाया था, इसे फोन उठाया ही नहीं। पोपटलाल फोन उठाना चाहिए ना, इतनी तो फ्री होता है ना, और रोमिंग लगती है ना यार। अरे मैंने फोन नहीं उठाया तो मुझे मैसेज कर देता, मैं मैसेज पढ़ते ही फ्लाइट पकड़ के आ जाता। क्या पकड़ के आ जाता? पकड़ के फ्लाइट। फोन तो रिचार्ज कराता नहीं, बुड़बक फ्लाइट से आ जाता। तुम वो सब छोड़ो, ऐसे तो परिवार परिवार बोलते हो और फिर ऐसे वार करते हो। मैं दो दिन बाहर क्या चला गया, मुझे क्रिकेट मैच से ही आउट कर दिया। अब पप्पू यार, और मेरी जरा गल ध्यान नाल सुन। नहीं 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 भाई, मैं कोई गल नहीं सुनने वाला। अब जो कुछ सुनोगे वो आप लोग सुनोगे। या तो आप लोग GPL 3 कैंसिल करो, या मुझे ये बताओ कि मैं किसकी टीम से खेल रहा हूँ। अरे भाई, अभी तुम किसी टीम में नहीं खेल सकते भाई, सब टीम का सब बंटवारा हो चुका है। हाँ। क्यों नहीं हो सकता? पोपड़लाल, मैच का टॉस भी हो चुका है, अभी तुम्हारे खेलने का नौ चांस। अगर टीम बन गई है, टॉस हो गया है, तो मैं दोनों टीम की तरफ से खेलूंगा, लेकिन मैं खेलूंगा जरूर। एक मिनट आशीष भाई, अभी आप इसको समझाइए। जेठा भाई, मैं कैसे समझाऊंगा, वो भी पोपटलाल को। बताइए, मैं खेलने के लिए उत्सुक हूँ बहुत। बताइए बताइए आसिफ भाई, मैं खेलने के लिए उत्साही हूँ। पोपट भाई पहले शांत हो जाइए, मैंने आपके लिए रास्ता निकाल लिया है, आप दोनों टीमों की ओर से खेलेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो आशीष भाई, ये क्या समझा है आपने? अरे दोनों टीमों का क्या मतलब? अरे वाह वाह वाह, थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। देखा आप लोगों ने, मैं दोनों टीम की तरफ से खेलूंगा, मतलब मैं दोनों की तरफ से बैटिंग करूंगा और दोनों की तरफ से बॉलिंग करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। अरे पोपट भाई, पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए बोलिए। दोनों टीम से खेलना मतलब होता है कि आप दोनों टीम की कॉमेंट्री देंगे। देखा, ये निकालना ना तोड़ पतले गले से मस्त जबरदस्त, इसलिए मैंने उनको भेजा, आप जाइए। अरे हाँ, मैं कमेंट्री करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं हर जीवन भर खेलता आया हूँ। पोपट भाई, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कमेंट्री देने का आपको सम्मान मिल रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार है। हाँ। तो आजकल क्रिकेट में जितने भी वरिष्ठ क्रिकेटर है सब कमेंट्री देते हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर वो लोग हैं। और देखो, ये कल तक न्यूज चैनल पे ये लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, आप कमेंट्री देंगे, सब लोग आपको देखेंगे, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। आप समझिए जरा, कमेंट्री छोटा मत समझिए, आप दोनों टीम की कमेंट्री देंगे और घर घर में प्रचलित हो जाओगे। नहीं 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 आशीष भाई, मुझे कमेंट्री करना नहीं जमेगा। अरे पोपट भाई, आपको अकेले को थोड़ी करनी है, तो आपको कमेंट्री में जोरदार कंपनी है। अच्छा, चेरी। वो कुंवारी भी है, समझा करो यार। अच्छा, तो आसिद भाई
सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्पेक्ट के लिए मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल कमेंट्री करने के लिए तैयार हूं। आसिफ भाई ने सिक्सर मार दिया। लेकिन चेरी तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पत्रकार पोपटलाल के साथ कमेंट्री करने का? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ही इज मोस्ट वेलकम। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मेरा मतलब है मैं कमेंट्री करने के लिए तैयार हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम आसिफ भाई ने सॉल्व कर दी, और अब शुरू होने जा रहा है धमाकेदार मैच जीपीएल 3 का, जिसे लाइव कमेंट्री करेंगी मिस चेरी पत्रकार पोपटलाल के साथ। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है एक धमाका जिसका नाम है जीपीएल 3। के सबसे बड़े इवेंट जीपीएल 3 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ जीपीएल 3 की आपकी कमेंटेटर चेरी, और खूबसूरत चेरी जी के साथ मैं आपका चहिता वरिष्ठ युवा पत्रकार और इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेंटेटर पोपटलाल। हर एक बॉल की और हर एक पॉल की, मेरा मतलब है हर एक पल की लाइव कमेंट्री सुनाने वाला हूँ। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ है हमारे खास मेहमान आसिफ कुमार भोली जी। सारे प्लेयर्स और सारे दर्शकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू चेरी। और दर्शकों, इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम स्टेडियम का माहौल बड़ा ही रोमांटिक हो गया है। मेरा मतलब है वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो गया है, और सारे प्लेयर्स का उत्साह और जोश ये जानकर बढ़ गया है कि कमेंट्री हम करने वाले हैं। चलिए पोपटलाल जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को जीपीएल 3 के रूल्स बता दें। अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेके और पूछ पूछ। तो दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि दोनों टीम्स के बीच 10 ओवर की मैच होगी, और कोई भी प्लेयर एक ओवर से ज्यादा ओवर नहीं डालेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे रूल्स का इस मैच में पालन होगा। तो चलिए अब हम दोनों टीम्स का आपसे परिचय कराते हैं। जीता के जाबाज टीम के कप्तान, जबरदस्त बैट्समैन, बॉलर, टोटल ऑलराउंडर जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वाइस कैप्टन, जबरदस्त हिटर और बैट्समैन डॉक्टर हाथी। गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी, जिनकी बॉलिंग और फील्डिंग कमाल की है माधवी भाभी। खतरनाक साइंटिफिक बॉलर अय्यर भाई। ऑलराउंडर कोमल भाभी। डेडली बैट्समैन एंड किलिंग बॉलर गोली। फैंटास्टिक स्पिनर गोगी। फास्ट स्पिनर बाघा। बढ़िया फील्डर सोनू। और जीपीएल 3 के स्पेशल अट्रैक्शन गोकुलधाम सोसाइटी के सीनियर मोस्ट क्रिकेटर चंपक चाचा। और सामने है मेहता के महारथी की टीम, जबरदस्त सुलझे हुए ऑलराउंडर कप्तान तारक मेहता, धुआंधार बैट्समैन और वाइस कैप्टन टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टपू, बल्ले बल्ले के बल्लेबाज और सिक्सरों के सरताज यानी कि रोशन सिंह सोनी, बेस्ट फील्डर और बेस्ट बैट्समैन नाथमाराम तुकाराम भिड़े, दी ऑलराउंडर अंजलि मेहता, तेज तर्रार जबरदस्त ऑलराउंडर बबीता जी, फैंटास्टिक स्पिनर अब्दुल, धमाकेदार बैट्समैन कम गुड फील्डर रोशन कौर सोड़ी, और दी ऑलराउंडर पिंकू, अनुभवी खिलाड़ी नटू काका, और अब द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर इन जीपीएल 3 बावरी। जेठा के जाबाज की टीम फील्डिंग के लिए मैदान में उतर चुकी है। हम लोगों ने टॉस जीत लिया, लेकिन हमें मैच जीत मैच जीतने के लिए बैटिंग के अंदर हमें बहुत सोच समझ के बैटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले ओपनिंग के लिए जाएंगे टपूर अब्दुल। मेहता की टीम का बैटिंग लाइनअप भी काफी जबरदस्त लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेहता के महारथी 10 ओवर में कम से कम 1300 रन का टारगेट जरूर रखेंगे। आपको क्या लगता है पोपटलाल जी? पोपटलाल जी, आपको क्या लगता है? मेरा मतलब है चेरी जी, जेठा के जाबाज टीम की बॉलिंग लाइनअप भी तेज तर्रार और खतरनाक है। अगर इन्होंने 100 रन के अंदर मेहता के महारथियों को आउट कर दिया, तो उनके लिए ये स्कोर चेस करना बहुत ही आसान होगा। तो चल,
चलिए देखते हैं ये GPL3 की ट्रॉफी कौन लेकर जाता है। और ट्रॉफी के साथ विनर टीम के हर एक प्लेयर को मिलने वाला है आसिफ भाई की ओर से सोने का चेन। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के चेन यहाँ पर, और ये चेन देखकर सारे प्लेयर का उत्साह बहुत ही बढ़ गया है। चेरी जी, आई एम श्योर इन सारे प्लेयर्स के साथ हम कमेंटेटर्स को भी आसिफ भाई एक एक सोने का चेन जरूर देंगे। नहीं आसिफ भाई, अरे पोपट लाल पहले इधर कमेंट्री पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो सारे प्लेयर्स के चेन उड़ गए और तुम्हें चेन थी पड़ी है। अब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कमान शाबाश हो, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे चप्पू के पापा। हाँ रुकिए रुकिए, ये क्या, मैच शुरू होने से पहले ही दया भाभी ने मैच को रोक दिया। ओ अच्छा, हाँ बोल राजा की जरा आरती कर देती हूँ। हाँ। आरती करती हूँ बोला राजा की, आरती करती हूँ बोला राजा की, सामने वाली टीम के बैट को चकमा देना रे, बाउंड्री के पास मत जाना रे, स्टंप से गले लग जाना रे, जल्दी से कैच हो जाना रे। आरती करती हूँ बोला राजा की, आरती करती हूँ बोला राजा इंतजार की घड़ियां समाप्त, तो शुभारंभ हो गया है GPL3 का, और GPL यानी कि क्रिकेट का महायुद्ध, और क्रिकेट के इस महायुद्ध के मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी बैट और बॉल को हथियार बना के उतर चुके हैं, और अब ये एक दूसरे से जीतने के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश करेंगे। किस तरह की गुगली डालेंगे, कैसे खेलेंगे ये लोग, और किस तरह से एक दूसरे से एक एक विकेट और एक एक रन की छीना झपटी होगी, भाई मामला बड़ा मजेदार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब क्रिकेट का खेल खेला जाएगा तो आपके घरों के अंदर हंसी फुटबॉल से भी ज्यादा ऊंची उछलेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ सोचिए क्या होगा इस मैदान पे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।